हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है रहबर खान और आज मैं आपको डिज़ाइन ऐप के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। बहुत से मेरे पास जो है क्वेश्चंस आए थे, बहुत से कमेंट्स आए थे कि डिज़ाइन ऐप के बारे में आप वीडियो बनाइए। जो भी हम वीडियोस देखते हैं, कई लोगों के ऐसे कमेंट आए थे कि जो भी वीडियोस हम देखते हैं यूट्यूब में डिज़ाइन ऐप की, वो बहुत फास्ट होती हैं तो समझ में नहीं आता कि कैसा करना है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किस किस टूल का यूज़ हो रहा है करके। मतलब जो भी वीडियोस आती हैं वो ये डिज़ाइन ऐप से बहुत टाइम लगता है बनाने पर, कम से कम 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं इस डिज़ाइन ऐप से वीडियो बना सॉरी फ़ोटो बनाने में। तो ये इसलिए फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ता है वीडियो को। तो मैं बता देता हूँ मोस्टली कौन कौन से टूल्स जो है इसमें यूज़ होते हैं, तो आज मैं यही बताने वाला हूँ। तो आप ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप जो है यहाँ से जाएंगे, तो यहाँ से न्यू में, यहाँ से आप इंपोर्ट में जाइए और गैलरी से आप एक आध फ़ोटो जो भी है आपकी वो इंपोर्ट कर लीजिए। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, बट देखते हैं, कम टाइम में हो जाए तो अच्छी बात है। तो यहाँ से मैं कोई भी एक फ़ोटो ले लेता हूँ, जैसे ये फ़ोटो मैंने ले ली है। तो ये फ़ोटो मैंने जो है इसको ऐसे ही सेट कर देते हैं। तो जैसे ही आप ये फ़ोटो लेते हैं तो आपके पास लेयर का ऑप्शन आ जाता है। देखिए, ये मेन चीज़ है, ये जो लेयर का ऑप्शन है ना, ये यहाँ से आप सबसे पहले तो ये जो लेयर, हर एक लेयर में एक काम होता है आपका, तो लेयर का ऑप्शन जो है आपको यहाँ मिल जाता है। और जहाँ से जाएंगे आप, देखिए यहाँ टूल्स हैं, ब्रशेज हैं, कलर्स हैं, ब्रश साइज है, ओपेसिटी है और इरेजर है। तो ये सबसे ऊपर है, यहाँ ब्रशेज मिल जाएंगे आपको बहुत से अलग अलग किस्म के। तो ये जो है क्रैक वर्ज़न है, मतलब प्रो वर्ज़न है, तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। कई लोग प्ले स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड करते हैं डिज़ाइन ऐप, इन्फिनिटी डिज़ाइन करके इसका नाम है, तो उन लोग को ये सब फंक्शन नहीं मिलते, तो वो भी बोलते हैं हमारे इसमें आ ही नहीं रहे, तो ये प्रो वर्ज़न है। और देखिए यहाँ कलर के जो है बहुत से ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको इधर से। देखिए हर कलर आपको यहाँ से जो मिल जाएगा, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं कलर। और यहाँ से आपको ओपेसिटी मिलेगी ब्रश की, और ये इरेज़र है। अगर आपको कुछ गलती से यहाँ से ऐसा हो गया है टाइप, तो आप ऐसा करके उसे क्लीन कर सकते हैं। तो ये हो गए टूल्स और ये हो गई लेयर। तो यहाँ से आप लेयर को यहाँ से क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक करके देखिए यहाँ से हाइड कर सकते हैं, डुप्लीकेट, क्लियर, मर्ज, सब यहाँ से जो है लेयर में टैप करके होगा। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ अभी। तो सबसे पहले आप इसमें एडिट करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ सेटिंग में भी देख लीजिए, यहाँ से दोनों चीज़ों को बंद कर लीजिए, डिस्प्ले आउटलाइन, इसमें जो भी आप एडिट करते हैं उसकी आउटलाइन दिखती है तो अच्छा नहीं दिखता, और ऑटो शेप डिटेक्शन को भी बंद कर लीजिए, नहीं तो कुछ भी शेप जो है ये डिटेक्ट कर लेता है और अपने आप फिल कर देता है इसलिए। तो सबसे मेन चीज़, आप जब आप इसमें फ़ोटो बनाना चालू करेंगे तो आप जो है इसमें लेयर जो है पहली लेयरों को जो है नई लेयर ऐड करके करिए कुछ भी चीज़। जैसे आप सबसे पहले स्किन बनाना चाहते हैं, स्किन में जो डालना चाहते हैं कलर, तो पहले फर्स्ट लेयर एक यहाँ से प्लस में जाइए और लेयर ले लीजिए ब्लैंक, और पहले पूरा जो है फेस ले लीजिए, फिर उसके बाद अगर आपको डिटेल देना है तो एक अलग लेयर सेलेक्ट कीजिए उसके लिए। तो जैसे आपको गॉगल में करना है तो उसके लिए एक अलग लेयर, हेयर करना है तो उसके लिए एक अलग लेयर, कपड़ों में करना है तो आपको उसके लिए अलग लेयर जो है लेना पड़ेगा। तो मेन टूल क्या है इसमें, तो यहाँ देखिए आप जाते हैं जैसे ही टूल्स में मोर ऑप्शन, यहाँ देख सकते हैं आप एक दिख रहा है ऑप्शन, यहाँ जाएंगे तो इसमें बहुत सारे टूल हैं, तो इतने टूलों का आपको यूज़ कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ कितने टूल इसमें यूज़ होते हैं वो मैं बता देता हूँ। अगर आप मोस्टली जो भी जितनी भी अभी तक वीडियोस आई हैं YouTube में, तो उसमें 2-3 टूल ही यूज़ हुए हैं। कौन कौन से हैं मैं बता देता हूँ। जैसे देखिए सबसे पहला ये पेन का टूल है, ये यूज़ हुआ है। क्यों, आपने फ़ोटोशॉप अगर यूज़ करे होंगे तो उसमें देखे होंगे पेन टूल, अगर जिसको चलाते आने लगा तो मतलब उसने पूरा फ़ोटोशॉप जो है परफेक्टली
कटिंग सीख लिया है। तो ये पेन टूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सेकंड जो यूज़ होता है वो है फिल। फिल वाला जो ऑप्शन है ये यूज़ होता है, पेंट के ऑप्शन में मिलता है आपको। ये दो जो हैं बहुत यूज़ होते हैं। और तीसरा है, यहाँ नहीं मिलेगा, तीसरा ये ब्रश, सिंपल ब्रश जो दिख रहा है आपको, ये और ये वाला ब्रश। तो ये दो ब्रश यूज़ ज़्यादा होते हैं। और कई लोग ये थर्ड फैट मेकर को भी यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें जो है ब्रश साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसमें फिल करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो मोस्टली यूज़ होते हैं ये वाला थर्ड नंबर का और ये फर्स्ट नंबर का ब्रश। और यहाँ से इफ़ेक्ट टूल यूज़ होते हैं, पेन वाला और फिल वाला, दो टूल यहाँ से यूज़ होते हैं। अगर आपको और भी यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, डुप्लीकेट ऐड लेयर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, रेज़र का यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, क्रोप करना चाहते हैं, फ्लिप करना चाहते हैं, तो बहुत से ऑप्शन हैं। अगर आपको यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं। तो मेन टूल जो यूज़ होते हैं वो है पेन और फिल। तो इसका यूज़ आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ गए टूल में, पेन लिए, यहाँ से ब्रश लिए ब्लैक कलर में, इसमें पहले हेयर में करके दिखाता हूँ आपको किस टाइप से इसे यूज़ करते हैं। तो आप ऐसे एडजस्ट करिए कि आपको पूरा परफेक्टली बने। तो मैं इसे यहाँ से शुरू करता हूँ। ये पेन का टूल हमने ले लिए, यहाँ से कलर ले लिए, ब्रश देख लेते हैं हम, ये वाला ले लेते हैं सिंपल। और यहाँ से देखिए ये जो साइज़ बड़ा हो गया, यहाँ से बहुत बड़ा हो गया ये साइज़। तो इसे देखिए, यहीं से आप एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है आपको, साइज़ वाइज में भी नहीं जाना है। सिंपली आपको ब्रश के साइज़ में ऐसा टैप करना है और इसे ऊपर नीचे अप डाउन कर सकते हैं, तो ये साइज़ जो है एडजस्ट हो जाता है। बहुत ही अमेजिंग जो है ये है। और यहाँ से कलर भी कर सकते हैं आप, इसकी ओपेसिटी भी कम ज़्यादा यहीं से कर सकते हैं। तो देखिए ये जो है इस टाइप से आप ले सकते हैं और इसे बैंड वैंड सब कर सकते हैं, ये अपने आप ऑटो बैंड हो जाता है। तो इसी से जो है स्मूथ इफ़ेक्ट जो आपको मिल जाता है एक फ़ोटो में। तो जहाँ जहाँ आपको करना है कलर, वहाँ वहाँ आप ये इफ़ेक्ट ऐसा चला सकते हैं। तो देखिए मैं आपको चला के दिखा देता हूँ थोड़ा सा। तो मैं ये वीडियो, ये फ़ोटो पूरी नहीं बनाने वाला हूँ, क्योंकि अगर पूरी बनाऊंगा तो मेरे को कम से कम 2 घंटे इसमें लग जाएंगे। इसलिए मैं इसे सिर्फ आपको यूज़ करके दिखा देता हूं कि टूल यूज़ कैसे होता है। तो देखिए जैसे ही आप, अगर आप लास्ट पॉइंट तक पहुंच जाएंगे तो आप इसे ऐसा करके कहीं से भी टच करके मिला दीजिए और इसे ओके कर दीजिए। तो देखिए ये पूरा मिल गया है हेयर समझ के चलिए। और ये एक नई लेयर में बनाए, देखिए फ़ोटो लेयर में आपको नहीं बनाना है, न्यू लेयर करके ही बनाना है। अब यहाँ से हम जाएंगे टूल में, फिल में, और ब्लैक कलर को ही हम यहाँ टैप कर देंगे। तो ये जो है कलर फिल हो गया है। और अब यहाँ न्यू लेयर लेंगे, फिल को भी अलग कर देंगे, पेन को भी अलग कर देंगे, और यहाँ से कलर लेंगे हम, सिलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ से सिलेक्टिव कलर भी ले सकते हैं आप, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे आप, स्किन का कलर ले लीजिए, ले लिया हमने, यहाँ कलर आ गया है। अब सिंपली जाएंगे हम, इसे हाइड कर देंगे, लेयर हाइट करके इसमें जो है वर्क किया जाता है। तो यहाँ से फिर से हम जाएंगे पेन में, यहाँ से पेन न्यू लेयर सेलेक्ट करेंगे, पेन यहाँ से ऐसे चला देंगे हम जहाँ जहाँ भी हमारा स्किन है। आप देखिए गॉगल के ऊपर से भी ले सकते हैं इसे, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप से आप जो है कर सकते हैं, मैं अभी जल्दी जल्दी करके दिखा रहा हूँ, आप बिल्कुल परफेक्टली मिला के करिए, बिल्कुल इतना जूम करके करिए आप, तो ये क्या है कि आपकी डिटेल जो है बहुत परफेक्ट आती है इसमें। कुछ भी काम डिटेल से करो तो बहुत अच्छा लगता है वो काम। तो वैसे ही एडिट है, यहाँ से आपने इसे मिला दिए, सिंपली जाएंगे टूल में, फिल में, और इसे फिल कर देंगे। तो देखिए इसको नीचे ला देता हूँ मैं और इसे विजिबल कर देता हूँ। तो इस टाइप से आप कर करके न्यू लेयर ले लेके आप कर सकते हैं। मैं और इसे हाइट, जो मेन लेयर है आपकी फ़ोटो लेयर, इसे हाइट कर करके देखते जाइए कि सही बन रही है कि नहीं। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही बताना चाहता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं, कॉमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और आप जो है मुझे
फेसबुक में भी पूछ सकते हैं। मेरा फेसबुक में बहुत से लोगों ने बोले आपकी फेसबुक आईडी बताई, तो रहबर खान नाम है मेरा और मेरे पूरे फ्रेंड्स जो है 5000 हो गए, तो आप मुझे फॉलो करके मैसेज जो है मैसेंजर में पहुंचा सकते हैं, रहबर खान करके मेरी जो है आईडी है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और एक बात मैं बताना भूल गया इसमें कि आप सेव कैसे कर सकते हैं फ़ोटो, बहुत से लोगों ने पूछे भी थे, सॉरी मैं भूल गया था अभी। तो सेव इस टाइप से कर सकते हैं, जैसे आपका ये जो है एडिट कंप्लीट होती तो इस टाइप से आप इसे रख लीजिए, इसको फुल कर लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसे क्रॉप कर लीजिए पिक्सआर्ट से, या फिर जो भी आपके पास क्रॉप करने का साधन है उसे कर लीजिए क्रॉप। तो इस टाइप से मैं इसे सेव कर रहा हूँ, हालांकि और भी ऑप्शंस हैं सेव करने के, तो मैं इस टाइप से ही करता हूँ इसे सेव। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।